सो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल ऑन अ न्यू डे ऑन अ न्यू वीडियो। तो भाई आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा खास और ज़रूरी। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया कि आज का वीडियो होने वाला है अबाउट टॉप 10 बेस्ट बाइक जो कि आप इंडिया में ले सकते हैं इन अंडर 2 लाख रुपीज़। और हम आज सारी लेटेस्ट और बेस्ट बाइक्स के बारे में बात करने वाले हैं, किसी डब्बे के बारे में बात नहीं करेंगे। और हाँ, मैं किसी बाइक की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ उनके प्रोज एंड कॉन्स आपको बता दूंगा। अगर आपको उनका डिटेल रिव्यू देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में सभी बाइक्स के नाम के साथ में उनकी रिव्यू का लिंक डाल दूंगा। तो भाई स्टार्टेड, तो भाई जिस बाइक के बारे में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यानी कि नंबर 10 की बाइक, वो है यामाहा R15 वर्जन 3। इस बाइक को बहुत ही ज़्यादा शानदार बाइक माना जाता है क्योंकि ये काफ़ी अच्छे स्टाइलिंग के साथ में आती है एंड इसका एग्रेसिव राइडिंग पॉस्चर इसको और ज़्यादा चार चांद लगा देता है। अगर बात करते हैं इसके पावर की तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी टॉप पावर इसमें आपको देखने के लिए मिलती है। काफ़ी सारी 200 cc की बाइक को भी टक्कर दे देती है एंड इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है यामाहा की तरफ से VVA टेक्नोलॉजी का यूज़। इसके बारे में आपको डिटेल में देखना हो तो मैं लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड इसमें मिलता है आपको स्लीपर क्लच जो कि कोई भी बाइक नहीं देती 200 cc की तक की इतने बजट में। दो भाई दिस इज़ वेरी रिकमेंडेड। अगर हम बात करते हैं इस बाइक में ख़राब चीज़ों की तो ये बाइक मार खाती है इसकी ख़राब बिल्ड क्वालिटी। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी की काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स रहती हैं। एंड दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, अगर आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है तो भाई ये बाइक आपके लिए सही नहीं है क्योंकि इससे आपके बैक पेन हो सकता है एंड इसका राइडिंग पॉस्चर कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव देखने के लिए मिलता है। तो इसके बाद में अगर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ जो कि है नंबर 9 की बाइक, तो वो है अपाची RTR 200 वर्जन 4। तो वही अगर हम बात करते हैं इस बाइक की प्राइस की तो ये बाइक आपको अराउंड 1.34 लाख रुपीस एक्स शोरूम की देखने के लिए मिलने वाली है। और ये बाइक 3 कलर्स में अवेलेबल है। अगर हम बात करें इस बाइक की तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे और लेटेस्ट फीचर्स के साथ में आती है। इसमें आपको अपना फ़ोन को कनेक्ट करने का फीचर देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ में आपको देखने के लिए मिलता है इसमें 3 राइडिंग मोड जो कि इसको और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाते हैं। इसके साथ साथ में आपको इसमें मिलता है डुअल चैनल ABS। और अगर हम बढ़ते हैं इसके बाद में इसकी बात करते हैं तो इसमें ये इस बजट में बहुत ज़्यादा अच्छी दी गई है रीज़न इतने अच्छे अच्छे फीचर्स। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इस बाइक के कौन की बात करते हैं तो इसका जो डिजिटल मीटर कंसोल है वो कुछ ज़्यादा छोटा है। तो अगर वो थोड़ा बड़ा होता तो थोड़ा बेटर होता। तो अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ जो कि है नंबर 8 की बाइक, अगर इसके बारे में बात करें तो ये है बजाज की सबसे पल्सर RS 200 जो कि आपको देखने के लिए मिलती है अराउंड 1.57 लाख रुपीज़ एक शोरूम की। तो भाई ये बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है। इसका राइडिंग पॉस्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड एग्रेसिव आपको स्टांस देता है जो कि फुली फेयर बाइक का आपको मिलना चाहिए। इसके साथ साथ में इसकी प्राइस बाकी 200 cc की बाइक्स के मुकाबले काफ़ी कम है एंड इसका पावर टू वेट रेशियो भी बहुत अच्छा है। अगर हम बात करते हैं इसकी प्रॉब्लम्स की यानी कि इसके कॉन्स की, तो उसके में कॉन्स जो आपको देखने के लिए मिलते हैं वो ये है कि इसकी पिलियन सीट जो है कुछ ज़्यादा छोटी है एंड उसमें पिलियन राइडर की थोड़ी सेफ्टी कम है क्योंकि इसकी जो ग्रैबिंग रेल्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही छोटी होती हैं। और अगर हम बात करते हैं बाकी इसकी कोई प्रॉब्लम की तो इसमें कोई और प्रॉब्लम नहीं देखने के लिए मिलती। इसके साथ साथ में कहते हैं हम आगे बढ़ते हैं अपने अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ जो कि हमारी नंबर 7 की बाइक है। हम इसकी बारे में बात करते हैं तो ये है रॉयल एनफील्ड की तरफ से पेश की जाने वाली बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की एक क्रूज़र बाइक एंड ये हाल ही में लॉन्च हुई एंड ये नए नए फीचर्स से फुली पैक्ड है। अगर हम बात करें तो ये है मीटियोर 350। तो ये आती है 3 मॉडल में जो कि प्राइस आपकी वैरी करती है अराउंड 1.54 लाख से 1.82 लाख तक और इसके मॉडल के हिसाब से। एंड लेकिन इस बाइक में आपको तीनों मॉडलों में एक चीज़ मिलती है देखने के लिए जो कि ग्रिपर जो कि आपको इंडिकेट करेगा कि आपको रास्ते में लेफ्ट या राइट किधर मुड़ना है अगर आप उसे अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेते हैं। उसके साथ साथ में इसका राइडिंग स्टांस बहुत ज़्यादा स्मूथ दिया गया है एंड इसका माइलेज भी काफ़ी डिसेंट है। 350 cc का इसमें रॉयल एनफील्ड का इंजन है तो आपको टॉर्क भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ में इसके अगर आपको मॉडल्स के बारे में डिटेल में वीडियो देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट बाइक की तरफ जो कि है हमारी नंबर 6 की बाइक, हम बात करते हैं इसके बारे में तो यह KTM की तरफ से लाई जाने वाली एक बहुत ही ज़्यादा शानदार नेकेड बाइक। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह है KTM Duke 200। इसमें आपको अगर हम बात करें ये बाइक देखने के लिए मिलती है अराउंड 1.83 लाख रुपीज़ से एक शोरूम और ये एक बहुत ज़्यादा शानदार बाइक आपको देखने के लिए मिलती है। इस बाइक की अगर हम बात करें तो इसमें आपको स्टाइलिंग में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देखने के लिए मिलता है। बहुत ज़्यादा अच्छे स्टाइल्स और बहुत अच्छे लुक के साथ में ये बाइक आती है एंड इसके राइडिंग पॉस्चर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपके राइडर को कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लाइक बैक पेन इसमें आपको नहीं मिलने वाला। और इसके साथ अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क भी आपको बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है। अगर इसकी प्रॉब्लम की बात करें हम तो प्रॉब्लम आपको इसमें यही देखने के लिए मिलती है कि इसकी प्राइसिंग को थोड़ा ओवर प्राइस बोला जाता है क्योंकि ये इस सेगमेंट में काफ़ी सारी बाइक्स और भी हैं जैसे लाइक अगर कंपेरेटिवली हम देखें NS 200 वगैरह वो भी आ जाती है। हम अपने नंबर 5 की बाइक की तरफ, अगर नंबर 5 पर जो हमने बाइक रखी है वो है जावा की तरफ से पेश की जाने वाली काफ़ी ज़्यादा शानदार क्वालिटी की क्रूज़र बाइक। इसके बारे में बात करते हैं तो ये है जावा 42 वर्जन 2। तो ये बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी आपको देखने के लिए मिलती है। इसका राइडिंग पॉस्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड इसमें जो आपको इंजन देखने को मिलता है वो अराउंड 293 cc का इंजन जो आपको बहुत अच्छा टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो गाइस इस बाइक की प्राइस आपको देखने के मिलती है अराउंड 1.84 लाख रुपीज़
एक्स शोरूम एंड बात करें इसकी प्रॉब्लम की, तो जावा की जो डीलरशिप्स हैं वो लिमिटेड हैं एंड इसकी सर्विस सेंटर्स भी लिमिटेड हैं, तो आपको थोड़ा इसकी आपके सर्विसेज में दिक्कत आ सकती है। उसके अलावा इसमें आपको कोई और प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलती। चलते हैं अपने नंबर फोर की बाइक की तरफ। नंबर फोर पर जो आपको बाइक देखने के लिए मिलती है वो है बेनेली की तरफ से एम्पेरिया ले 400। तो ये बाइक भी बहुत ज़्यादा अच्छी आपको देखने के लिए मिलती है। ये क्रूजर सेगमेंट की बाइक है तो इसमें आपको पुराना रेट्रो फीलिंग देखने को मिलने वाली है एंड इसका टॉर्क भी काफी अच्छा है क्योंकि इसमें मिलता है आपको 400 सीसी का इंजन बेनेली की तरफ से। बाइक की प्रॉब्लम की बात करें तो आपको इस बाइक में जो प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं वो ये हैं कि बेनेली का जितना नेटवर्क है वो अभी काफी छोटा है एंड इनके शोरूम्स भी लिमिटेड शहरों में है, तो जहाँ शोरूम होंगे वहीं पर आपको मिलने वाले इनके सर्विस सेंटर्स, तो आपको इनकी आफ्टर सेल्स सर्विसेज में दिक्कत आ सकती है। एंड बेनेली की बाइक्स काफ़ी हाई मेंटेनेंस रहती हैं और इनकी आफ्टर सेल सर्विस भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, तो यही दिक्कत आती है इस बाइक में। इसके बाद में हम बढ़ते हैं अपनी अगली बाइक की तरफ। फिर हम बढ़ते हैं अपनी नंबर थ्री की बाइक की तरफ, जो कि होंडा की तरफ से पेश की जाने वाली एक क्रूजर बाइक एंड होंडा ने इसे हाल ही मार्केट में उतारा है। तो अगर हम बात करते हैं इस बाइक की तो ये है होंडा हाइनेस CB350 और यू कैन से द CB350 RS। इन दोनों मॉडलों को हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा प्राइस रेंज में वेरी नहीं करते हैं एंड इनमें सेम इंजन का यूज़ है, बस इनमें जो डिफरेंस है वो है इनके राइडिंग पॉस्चर का। प्राइस जो आपको देखने के लिए मिलती है वो अराउंड 1.96 लाख रुपीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं इसमें प्रॉब्लम्स की, तो भाई ये बाइक्स आपको लिमिटेड स्टोर पर ही मिलने वाली है, यानी कि ये सिर्फ बाइक मिलेंगी आपको होंडा बिग विंग पे, जो कि थ्रू आउट द कंट्री सिर्फ लिमिटेड है एंड इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज भी काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाली हैं एज अ 350 cc बाइक। तो वही इतना ही मिलता है आपको इस बाइक में। हम बढ़ते हैं अपने नंबर टू की बाइक की तरफ। तो नंबर टू पे जो आपको बाइक देखने के लिए मिलती है वो है हस्क्वर्ना की तरफ से लाई जाने वाली स्वाट प्लेन और विट प्लेन 250। तो वही ये बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक है एज ये एक स्क्रैम्बलर सेगमेंट की बाइक है एंड ये काफ़ी कॉम्पैक्ट लगती हैं, लेकिन ये उसके साथ साथ में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इनकी आफ्टर सेल सर्विसेज भी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है और उसके साथ साथ में गाइस ये आपको काफ़ी अच्छी राइडिंग क्वालिटी ऑफर करती है। इनमें प्रॉब्लम्स अभी तक कुछ देखी नहीं गई हैं। और अब पढ़ते हैं इसकी प्राइस की तरफ, तो ये है मिलती है आपको अराउंड 1.99 लाख रुपीज़ के आसपास। इनकी थोड़ी प्राइस वाइज ऊपर नीचे वेरी होती रहती है एंड ऑन। तो भाई इतना ही कुछ मिलता है आपको इस बाइक में। अब हम चलते हैं इस लिस्ट की टॉप एंड बाइक की तरफ, यानी कि नंबर वन बाइक की तरफ। की तरफ चलने से पहले आपको बोल दूँ तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन करना है ऑल पर, ताकि सबसे अमेजिंग कॉन्टेंट आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आपका कोई भी फेवरेट पार्ट रहा हो तो कॉमेंट करके बता देना, या आपका कोई भी सजेशन हो तो कॉमेंट करके बता देना, किसी स्पेशल बाइक पर वीडियो चाहिए तो बता देना। तो भाई लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम बात करते हैं नंबर वन बाइक की तरफ, तो वो है बजाज डोमिनार 400। इस बाइक को इस लिस्ट के टॉप पे रखने के काफी सारे रीजन थे। पहला कि ये बाइक में आपको देखने को मिलता है 400 सीसी का इंजन, जो कि आपको बहुत ही अच्छी पावर डिलीवर करता है, बहुत ही अमेजिंग टॉर्क देता है। इसके साथ साथ में इसकी स्टाइलिंग में भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं देखने के लिए मिलता, काफी अच्छी स्टाइलिंग देखने के लिए मिलती है एज अ 400 cc बाइक। ये इस बाइक में कोई भी कमी नहीं होती। उसके साथ साथ भाई अगर हम बात करते हैं इसके राइडिंग स्टांस की, तो वो भी आपको बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है। आप इस पर लॉन्ग टूर्स कर सकते हैं बिना बॉडी एक के। इसके बाद में हम बात करते हैं इस बाइक की प्राइस की, तो इस बाइक की प्राइस आपको देखने के लिए मिलती है अराउंड 2,03,000 रुपीज़ एंड ये बाइक इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसकी आफ्टर सेल सर्विस में भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि बजाज का जितना भी ये सर्कल है ये बहुत फैला हुआ है, ये इंडिया आपको हर मोस्टली सिटी स्टेट में मिल ही जाएगा इनकी डीलरशिप्स और इनके साफ सर्विस सेंटर, तो आपको इसकी आफ्टर सर्विसेज में भी दिक्कत नहीं आएगी। इस लिस्ट में मिलता है कुछ इतना ही। तो भाई मैंने आपको बताया 2021 में जो आप बाइक ले सकते हैं बेस्ट बाइक्स इन 2 लाख रुपीज़, तो भाई ये सारी बाइक वर्थ हैं। जो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो भी मैंने आपको बताई। अगर आपको इन बाइक्स का डिटेल रिव्यू देखना है तो मैं कॉमेंट्स में हर बाइक का लिंक डाल दूंगा रिव्यू का, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ में आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है कि क्या ड्रिल है, आपको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ऑल पर करना है बेल नोटिफिकेशन, ताकि सबसे अमेजिंग कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना भूलना मत। तो भाई आज भी इतना ही कुछ मिलता है आपको इस वीडियो में, तो चलो अब चलते हैं, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, यानी कि बाइक के रिव्यू में। अगर आपको वीडियो पसंद आए कोई से भी तो कमेंट करके जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।